नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली जेके गवर्नमेंट जबल स्टूडेंट पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों को बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर 6 SEM के एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन तरीके से होने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड्स के बारे में क्या इंस्ट्रक्शन है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी की इस समय की अपडेट्स आप लोगों को बता दें, क्योंकि बाकी बच्चे भी वीडियो लगातार देखते हैं। आपको बता दें कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने अपना फर्स्ट सेम रेगुलर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुए थे उसका रिजल्ट जारी कर दिया है, और साथ में प्राइवेट्स जो उनके फरवरी के महीने में एग्ज़ाम हुए थे उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। बट अभी तक जम्मू यूनिवर्सिटी ने नहीं किया है ना 3rd SEM, ना 5th SEM और ना ही PG की एडमिशन अभी स्टार्ट हुई है। जैसे ही ये अपडेट्स हमारे पास पहुँचेगी जरूर बता देंगे। इस वीडियो में 6th SEM के स्टूडेंट्स, चाहे वो CBCS के हैं, नॉन CBCS के, प्राइवेट्स, रेगुलर, सभी बच्चों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिनकी डेट शीट्स आ गए हैं, जिनके एग्ज़ाम 15 से शुरू हैं, उनको JUCC.NI की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। उसके बाद उनको अपना एक लॉगिन रजिस्टर करना है। ये रजिस्टर आप लोगों को 13/9 से पहले करना है। जो 13/9 से पहले नहीं करेगा उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो फेल माना जाएगा। इसलिए आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और उन्हें बता दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ID और रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले करना है जो एडमिट कार्ड पर होता है। एडमिट कार्ड पर होता है जिस तरह से 14/8 GDC AK18 वाला होता है, जो वो आपको एक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे OTP आएगा, अगर OTP नहीं आता तो 5 मिनट्स के अंदर तो आप लोगों को इस नंबर से कंटेक्ट करना है, जहाँ तो email ID support@innet.in पर वेरीफाई करके पूरा सिस्टम सेट करके आप लोगों को रखना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सिस्टम है। वेलकम स्टूडेंट्स पार्टल, कुत्ता भौंक रहा है, इसको आप कुत्ते की आवाज़ नहीं सुननी है, आवाज़ मेरी सुननी है। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको गूगल पर लिखना है JUCC एडमिट कार्ड। जैसे लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ये आएगा। स्टूडेंट लॉगिन आपको करना है, फॉर स्टूडेंट यूज़ ओनली पर क्लिक करेंगे तो, अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इधर से डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करना है, जहाँ पर अपना कोर्स फिल करना है, जहाँ पर सेमेस्टर और जहाँ पर एयर मंथ खुद आ जाएगा, आप लोग टेंशन ना लें। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पढ़ना है जो GDC वाला होता है, जिस तरह से आप लोग फिल करते हैं कोई भी रजिस्ट्रेशन फिल करके आप वाई कैप्चा, और उसके बाद डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। फिर उसके बाद आप लोग पीछे आना, फिर 6 MCQ एग्ज़ाम जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं 13 से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। और जब आपके एग्ज़ाम होंगे ना 15 को, उस टाइम आप लोगों को सीधा लॉगिन पर जाना है, रजिस्ट्रेशन कर देना, एक पासवर्ड आप लोगों को जहां पर बनाना है email ID से। जब लॉगिन करोगे ना उस दिन, जिस दिन पेपर होंगे, सीधा लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप लोग, उस दिन सीधा इसी वेबसाइट से लॉगिन पर करेंगे, जहां पर अपनी ID और जहां पर पासवर्ड डालना है, और सीधा आप लोगों को लॉगिन पर कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पेपर आ जाएगा MCQ वाला, उसको आप प्रॉपर तरीके से उसमें रो नंबर पूरा सिस्टम सेट करके आप लोगों को सेव कर देना है। बच्चे आप लोगों को बता देंगे, मुझे मेरे से जितना हुआ मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत कोशिश करके समझाने की कोशिश की, बाकी आप लोग अपने किसी फ्रेंड सर्कल से थोड़ा बहुत पता करें। हमारा इंस्टाग्राम पेज JK Student Point के नाम से है, कोशिश करेंगे मदद करने की। और बाकी आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल से जिस बच्चे को पता चल गया है वो कमेंट करके भी बच्चों की हेल्प करें। और आपको बता दें कि जो रह गया 13 से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, उसका बाद में पेपर नहीं होगा, फेल हो जाएगा, इससे बेटर है कि आप लोग कोशिश करें समझने की। अगर कोई और वीडियो डालनी है तो हम डाल देंगे। बाकी ऑल द बेस्ट।